इस वीडियो में आरसीबी वर्सेस डीसी के बीच में खेले जाने वाले 20th आईपीएल मैच का डिटेल में डिस्कस करेंगे और दोनों टीमों के हर प्लेयर का डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस मैच से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन, जिसकी हेल्प से आप खुद से बेस्ट स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बना शानदार अमाउंट विनिंग कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारे मेंबर लगातार ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग विन कर रहे हैं, स्मॉल लीग के अंदर अपने ओपोनेंट्स को 200-300 पॉइंट के बड़े मार्जिन से बीट कर रहे हैं। इस मैच के अंदर भी अगर आपको एक अच्छी खास अमाउंट विनिंग करनी है तो बस आप आज के पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। जो भी आपके डाउट्स होंगे इस मैच से रिलेटेड सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड पिच रिपोर्ट ऑफ एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, A to Z प्लेयर का आपको मैं स्टैट्स बताऊंगा, हेड टू हेड वेन्यू स्टैट्स, स्ट्रेंथ वीकनेस पर हम डिस्कस करेंगे, हर प्लेयर का आपको मैं डिटेल मैचेस बताऊंगा, कौन से बल्लेबाज को कौन से गेंदबाज आउट कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन, और 3 से 4 ऐसे डिफरेंशियल गेम चेंजर पिक जो कि फ्रेंड्स आपको इस मैच के अंदर ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग क्लीन स्वीप करा सकते हैं। 3 से 4 बड़े प्लेयर की बात करेंगे जिनका सिलेक्शन हाई है, इस मैच के अंदर प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस मैच का फाइनल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग का टीम मैच रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लाइक पिच रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट, प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है और लास्ट मिनट तक फ्रेंड्स आपको यहां पर ग्रैंड लीग के अपडेट्स दिए जाते हैं, जिसकी हेल्प से लगातार हमारे मेंबर्स ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग विन कर रहे हैं। सो देर और इंतजार किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन से आपकी हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मैच एनालिसिस की बात करें, 20th मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर भारतीय समयानुसार 3:30 PM पे। पिच रिपोर्ट की बात करें, पिच बिल्कुल न्यू और फ्रेश होगा, यहाँ का विकेट काफ़ी फ्लैट और हार्ड होता है, बल्ले पे गेंद काफ़ी स्मूथ तरीके से आता है, बल्लेबाज को हिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, साथ में अच्छी पेस और बाउंस देखने को मिलती है, बाउंड्री साइज ग्राउंड डायमेंशन आपको काफ़ी छोटे दिखेंगे जिसके कारण यहाँ पर चौकर छक्के ज़्यादा लगते हैं। सो इस मैच के अंदर आपको जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिलेगी और बल्लेबाज और फास्ट बॉलर आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते इस मैच के अंदर नजर आएंगे। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग स्कोर कार्ड का कंपैरिजन करें, लास्ट मैच के अंदर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करते 212 बनाई और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस टारगेट को चेज की, लास्ट बॉल तक मैच गया था, काफी इंटरेस्टिंग मैच रहा था। इससे पहले भी जो मुकाबले खेले गए, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग्स हो, देख सकते हो काफी ज्यादा फ्रेंड्स हमें हाई स्कोरिंग गेम देखने को यहां पर मिलते हैं। इस मैच के अंदर भी आपको 180 के राउंड ऑफ करंट्स बनते फिर से दिखेंगे। इस वेन्यू पे आरसीबी की टीम टोटल में खेली 84 मैच, 43 मैच टीम जीती है, इनका होम ग्राउंड है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम है वो टोटल 11 मैचेस खेली, 4 मैच टीम जीती है। इस वेन्यू पे अगर बात करें, दोनों टीमों के बीच में टोटल 10 हेड टू हेड मुकाबले खेले गए, 6 मैच आरसीबी की टीम जीती और 4 मैच यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीती। एवरेज रन पर ओवर की बात करें सिंस आईपीएल 2019 तो प्रति ओवर यहाँ पर लगभग 9 से 10 रन बनते हैं, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू है ये। फ्रेंड्स बैटिंग पैराडाइज सर्फेस है, वेल नोन एज बैटिंग पैराडाइज, यहाँ पर फ्रेंड्स चौके से ज्यादा छक्के लगते हैं ड्यू टू ग्राउंड डायमेंशन। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम खेले के लास्ट के 6 मैच में 2 बार जीती, यहाँ पर फ्रेंड्स छोटे ग्राउंड पर यही होता है, टारगेट चेज करना टीमें पसंद करती है और यहाँ पर हालांकि आपको ड्यू देखने को नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी रेट दोनों ही गेंदबाजों को मार पड़ती, चाहे फास्ट बॉलर या फिर स्पिनर गेंदबाज हो। विकेट टेकिंग एबिलिटी यानी स्ट्राइक रेट की बात करें तो पेसर्स गेंदबाज की विकेट टेकिंग एबिलिटी यहाँ पर अच्छा होता है स्पिनर्स गेंदबाज के कंपैरिजन में, लेकिन जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे उनको डेफिनेटली इस पिच से आपको मदद देखने को मिलेगा, स्पेशली रिस्ट स्पिनर गेंदबाज। बाउंड्री साइज ग्राउंड डायमेंशन की बात करें, डाउन द टाउन यानी स्ट्रेट बाउंड्री आपको ओनली 69 मीटर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो कितना छोटा ग्राउंड डायमेंशन है। स्क्वायर बाउंड्री 57 and 63 मीटर और लॉन्ग ऑफ लॉन्गन बाउंड्री आपको 70 and 70 मीटर देखने को मिलेगा। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें, खेले गए लास्ट के 6 मैचेस के अंदर पेसर्स गेंदबाज को मिले 42 विकेट्स, फर्स्ट इनिंग के अंदर 15, सेकंड इनिंग्स के अंदर 27, राइट आर्म फास्ट बॉलर को 31 विकेट्स, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 11 विकेट्स। वहीं अगर हम बात करेंगे स्पिनर्स गेंदबाज की तो खेले गए लास्ट के 6 मैचेस के अंदर स्पिनर्स गेंदबाज को टोटल विकेट मिले 21, फर्स्ट इनिंग के अंदर 13, सेकंड इनिंग्स के अंदर 8। सो आप बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हो, ऑलमोस्ट यहां पर पेसर्स ने डबल विकेट निकाले हैं स्पिनर्स गेंदबाज के कंपैरिजन में। राइट आर्म ऑफ स्पिनर 6 विकेट, लेग ब्रेक स्पिनर 10 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को 4 विकेट मिले एंड लेफ्ट आर्म चेनमैन गेंदबाज को यहां पर 1 विकेट मिले। जो लास्ट मैच खेला गया था 10 अप्रैल को बिटवीन
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। इस मैच के अंदर 9 विकेट्स मिले थे पेसर्स गेंदबाज को एंड 2 विकेट्स वहां पर मिले थे स्पिनर्स गेंदबाज को। तो चाहे आप ओवरऑल डाटा देखो या फिर लास्ट मैच का डाटा देखो, पेसर्स गेंदबाज यहां पर डोमिनेट करते, स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलता ड्यू टू स्मॉल बाउंड्री साइज एंड ग्राउंड डायमेंशन। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें T20 इंटरनेशनल के अंदर टोटल 7 मुकाबले खेले गए, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मैच जीती, सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम 5 मैच जीती और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 155 रहा। T20 डोमेस्टिक के अंदर यहां पर खेले गए 117 मैचेस, 52 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती, 63 मैच सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 165 रहा। वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश के इस मुकाबले के अंदर बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। दोनों टीमों के बीच में टोटल में 29 हेड टू हेड मुकाबले खेले गए, 18 मैचेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जीती और 10 मैच यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीती और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा। टीम न्यूज अपडेट्स की बात करें आरसीबी की तरफ से कोई बड़ी न्यूज निकल करके नहीं आ रही है, वहीं अगर बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तो यहां से मिचेल मार्श इस मुकाबले के लिए अवेलेबल है। अब डिस्कस करते हैं आरसीबी के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। फाफ डू प्लेसिस एंड विराट कोहली दोनों आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे। नंबर 3 पर माइकल ब्रेशवेल, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, सहबाज अहमद, डेविड विली, हर्षल पटेल, आकाशदीप, कर्ण शर्मा एंड मोहम्मद सिराज। यहां से फ्रेंड्स आपको वैन पैरनल खेलते हुए दिख सकते हैं माइकल ब्रेशवेल के प्लेस पे। वरिंदो सरंगा की भी वापसी हो सकती है इस मैच के अंदर, वो भी अवेलेबल है। प्रोबेबल इंपैक्ट प्लेयर की बात करें वरिंदो सरंगा, श्रेयस प्रभु देसाई, महिपाल लोमरर एंड अनुज रावत, बाकी ये सारे प्लेयर आपको बेंच पे दिखेंगे। इनमें से मुझे किसी प्लेयर के खेलने की पॉसिबिलिटी इस मैच के अंदर नजर नहीं आ रहा है। चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। यहां पर फ्रेंड्स आपको डेविड वार्नर एंड पृथ्वी शॉ दोनों ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर मनीष पांडे, राइली रोशो, ललित यादव, रोमन पॉवेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एनिक नोकिया, मुकेश कुमार एंड खलील अहमद। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको दिख जाएंगे ईशांत शर्मा, प्रवीण दुबे, सरफराज खान एंड अमन हकीम खान। बेंच से आपको मिचेल मार्श और मुस्तफिज रहमान ये दो प्लेयर को खेलते हुए दिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और मुझे किसी प्लेयर की चांसेस नहीं दिख रहा इस मैच के अंदर खेलने की। चलते हैं आरसीबी टीम के फुल स्टैट्स की तरफ। फाफ डू प्लेसिस इस ग्राउंड पर खेलना बहुत पसंद है, 91 की एवरेज से 7 मैच में 274 रन किए, अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स 15 मैच 350 रन 25 की एवरेज से, रिसेंट फॉर्म बहुत डिसेंट है, 3 मैचेस के अंदर 250 प्लस स्कोर कर चुके हैं, लास्ट मैच के अंदर 79 नॉट आउट स्कोर करके आ रहे हैं। एक बार फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग इनको भी सीबीसी कर सकते हो। विराट कोहली इस ग्राउंड पर 38 का एवरेज है, हेड टू हेड के अंदर 53 का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, 3 मैचेस के अंदर 2 इनके भी 50 प्लस स्कोर है और यहां पर विराट कोहली का बल्ला हमेशा हल्ला बोलता है, ये भी आपके लिए इस मैच के अंदर इंपॉर्टेंट है, सीबीसी इनको भी ट्राई कर सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल इस ग्राउंड पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर इसी ग्राउंड पर 59 का स्कोर किया, उससे पहले आप इनके स्कोर कार्ड देख सकते हो, 12 नॉट आउट प्लस 0 विकेट एंड 5, हेड टू हेड के अंदर 21 का एवरेज है प्लस 3 विकेट भी निकाले, इस ग्राउंड पर 31 का एवरेज है प्लस 4 विकेट निकाले 10 मैचेस के अंदर। इनका रोल इस मैच के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इनको ग्रैंड लीग में सीबीसी ट्राई कर सकते हो। दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही मुझे दिख रहे हैं, 28 का एवरेज है हेड टू हेड के अंदर, इस ग्राउंड पर 16 का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म उतने इनके कुछ खास है नहीं, हालांकि ज्यादा इनको मौका मिले नहीं, लेकिन अगर मौका मिलता अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करेगी तो हम इनको अपनी टीम में पिक करेंगे, अगर आरसीबी सेकंड बैट करती है तो हम इनको अवॉइड कर सकते हैं इस मैच में। महिपाल लोमरर इस मैच में इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे हैं, लास्ट मैच के अंदर भी इनको मौका मिला था खेलने का लेकिन बैटिंग पोजीशन बहुत ज्यादा इनका नीचे था, इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले अपना खाता भी नहीं खोल पाए, हेड टू हेड के अंदर बहुत स्ट्रगल है, 3 मैच 28 रन, रीसेंट फॉर्म इनके डोमेस्टिक के अंदर अच्छे थे लेकिन फ्रेंड्स यहां पर इनका रोल मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है और काफी नीचे बल्लेबाजी करो गेंदबाजी इनसे कराया नहीं जा रहा, फॉर दैट रीजन मैं इनको इस टीम में ट्राई नहीं करूंगा। सहबाज अहमद का भी रोल मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, यहां पर स्पिनर्स वैसे भी कुछ खास नहीं करते स्पेशली फिंगर स्पिनर्स। परफॉर्मेंस की बात करें रीसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 2 मैच के अंदर मौका मिले खेलने का विकेट लेस रहे हैं, हेड टू हेड के अंदर 3 मैच 2 विकेट्स ओनली 33 रन और इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले ना तो बल्ले से रन के और ना ही गेंदबाजी के अंदर कोई विकेट निकाल पाए, इंपॉर्टेंट नहीं, दूरी बना करके चलिए इनसे। अनुज रावत ये भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे हैं, हेड टू हेड के अंदर 1 मैच 0 रन, इस ग्राउंड पर 1 मैच 0 रन, रीसेंट फॉर्म की बात करें 2 मैचेस के अंदर मौका मिला खेलने का, सेकंड मैच के अंदर 1 रन एंड लास्ट मैच इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी, रोल बहुत ज्यादा इनका मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा, रीजन क्या है, एक तो बैटिंग पोजीशन बहुत ज्यादा नीचे और यहां पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ही रन बनाते हैं, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर वाले को ज्यादा मौका नहीं मिलता क्योंकि बैटिंग पैराडाइज सरफेस विकेट यहां पर काफी कम गिरते हैं, सो फॉर दैट रीजन मैं इनको रेकमेंड नहीं करूंगा ना ही स्मॉल लीग के अंदर और ना ही ग्रैंड लीग के अंदर। हर्षल पटेल फर्स्ट बॉलिंग करे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 9 मैच 9 विकेट अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, इस वेन्यू पर 19 मैच 14 विकेट्स और लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, उससे पहले भी 2 विकेट निकाल चुके हैं, 3 मैचेस के अंदर टोटल 4 विकेट निकाल चुके हैं और अच्छी बॉलिंग इन्होंने किया था लास्ट मैच के अंदर, लास्ट बॉल तक मैच गया था, ऑलमोस्ट इन्होंने मुकाबले जिता ही दिए थे लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा और रन रहता तो डेफिनेटली आरसीबी की टीम मैच जीत सकती थी, अच्छी बॉलिंग रही थी और आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डेथ में 2 ओवर कंप्लीट करते हैं। डेविड विली
देखो हेड टू हेड प्लस इस ग्राउंड पर तो कोई मैच नहीं खेले, इस मैच के अंदर एक विकेट आपको निकाल कर दे सकते हैं। हालांकि बॉल यहां पर नया स्विंग करता नहीं है ना ही मूवमेंट करता है, तो ये नई बॉल से विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर पिच पे ग्रास होगा, पिच पे मॉइस्चर होगा तो इनको ज़्यादा मदद मिलेगा, लेकिन ये डे गेम है तो आपको मॉइस्चर भी नहीं रहेगा और ग्रास पर बहुत कम होता तो रोल तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट का नहीं दिख रहा है। हालांकि आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो जीएल के अंदर, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्क है, दो मैच खेले और दो विकेट निकाले हैं, एक विकेट या फिर विकेट लेस इस मुकाबले के अंदर जा सकते हैं। वैन पैरनल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस ग्राउंड पर खेलना बहुत पसंद है, फोर मैच फाइव विकेट डेथ में ही बॉलिंग करेंगे, हेड टू हेड के अंदर टू मैच वन विकेट और लास्ट मैच के अंदर शानदार तीन विकेट निकाले और अपने डिफरेंशियल गेम चेंजर पिक थे, हमने इनको सीवीसी भी ट्राई किया था ग्रैंड लीग और वन साइडेड क्लीन स्वीप किया था। कर्ण शर्मा एक ऐसे स्पिनर गेंदबाज जो कि यहाँ पर अच्छा किए हैं, सिक्स मैच इलेवन विकेट्स और हेड टू हेड के अंदर नाइन मैच सेवन विकेट, रीसेंट फॉर्म की बात करें तो अब तक फ्रेंड्स ये पांच विकेट निकाल चुके महज तीन मैचेस के अंदर। चहल भी यहाँ पर बहुत अच्छा करते थे, स्पेशली लेग ब्रेक के स्पिनर और लेग ब्रेक गुगली वाले गेंदबाज को हमें काफी ज्यादा मदद मिलता है, तो उन पर फोकस करो। वनिंदु हसरंगा खेलेंगे, उनको भी आपको ट्राई करके चलना क्योंकि उनका भी रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहम्मद सिराज टेन मैच फोर्टीन विकेट्स और इस ग्राउंड पर इलेवन मैच ट्वेल्व विकेट, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग कर टीम करे तो इनको ट्राई करके चलना। हालांकि सेकंड बॉलिंग में भी सिराज अच्छा करते हैं, इस मैच के अंदर भी आपको एक से दो विकेट निकाल करके देख सकते हैं। रीसेंट में बहुत अच्छा चल रहा है इनका, पिछले एक साल में इंडियन टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट व्हाइट बॉल क्रिकेट में इन्होंने ही निकाला। और अगर बात करें इनकी परफॉर्मेंस की तो तीन मैच में अब तक पांच विकेट निकाल चुके और लास्ट में तो शानदार तीन विकेट निकाले और अपने टीम में थे और हमने इनको सीबीसीबी ग्रैंड लीग में किया था। चलते हैं बेंच प्लेयर की तरफ, यहाँ से आकाशदीप की खेलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। माइकल ब्रेसवेल खेल सकते हैं, इस ग्राउंड पर एक मैच खेले एक विकेट निकाले और अभी तक फ्रेंड्स देख सकते हो अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया, जब भी मौका मिला है आपको नंबर तीन या फिर नंबर चार पर बल्लेबाजी करके देंगे, प्लस आपको दो से तीन ओवर बॉलिंग भी करके इस मैच के अंदर दे सकते हैं। खेलेंगे मस्ट पिक होंगे, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। रिक टॉपली तो रोल्ड आउट हो चुके पूरे टूर्नामेंट से, यहाँ से वनिंदु हसरंगा खेल सकते हैं, हेड टू हेड के अंदर वन मैच वन विकेट निकाले, इस ग्राउंड पर अब तक कोई मैच खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये तो मस्ट पिक प्लेयर है। और इसके अलावा तो मुझे और कोई दिख नहीं रहा पर खेलते हुए, बाकी अगर कोई खेलता तो उनके स्टैट्स आपको टॉस एंड लाइनअप्स के बाद मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल 100% फ्री चैनल, वहां पर आप जरूर से जुड़ जाइएगा। ओपन बॉलर होंगे मोहम्मद सिराज, डेविड विली एंड वैन पैनल, डेथ में बॉलिंग करते दिखेंगे हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, वैन पैनल एंड डेविड विली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जहां पर फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल फ्री में खेल करके ढेरों सारे अमाउंट विनिंग कर सकते हो। माई मास्टर इलेवन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। यहां पर फ्रेंड्स आपको खेलने का बहुत ढेरों सारे बेनिफिट्स है, आप देख सकते हो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मेगा लीडर बोर्ड यहां पर चल रहा है, आपको ढेरों सारे प्राइजेस यहां पर देखने को मिल जाएंगे, कार से लेकर के फ्रेंड्स आप फोन लैपटॉप बहुत ढेर सारी चीजें यहां पर आप विन कर सकते हो। अगर आप यहां पर डिपॉजिट करते हो तो उसके लिए भी शानदार ऑफर्स यहां पर चल रहे हैं, आपको यहां पर डिपॉजिट करने पर मिलेंगे रियल कैश, बोनस नहीं रियल कैश मिलेगा। एंड डेली फ्रेंड्स यहां पर होते हैं 1 लाख का बिल्कुल फ्री गिवे, हर आईपीएल मैच के अंदर 1 लाख का बिल्कुल फ्री गिवे आपके पास रहता है। जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको माय मास्टर इलेवन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री में खेलना यहां पर स्टार्ट कीजिए। अब डिस्कस करते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम का फुल स्टैट्स। डेविड वार्नर अगेंस्ट आरसीबी खेलना बहुत पसंद है, 52 के एवरेज से 22 मैच 943 रन के, इस वेन्यू पे 10 मैच 470 59 के एवरेज से रीसेंट फॉर्म जबरदस्त है, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर आईपीएल 2023 के अंदर आफ्टर शिखर धवन, 56 37 65 एंड 51 चार मैचेस के अंदर 350 प्लस स्कोर, काफी डिसेंट फॉर्म में है और इस मैच के अंदर आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कर सकते हो। पृथ्वी शो हेड टू हेड के अंदर 1 मैच 85 रन 23 के एवरेज से, इस वेन्यू पे 1 मैच 28 रन, रीसेंट फॉर्म सबसे बड़ी कंसर्न है, 12 7 0 एंड 15 रन किए, फॉर दैट रीजन स्मॉल लीग के अंदर इनका जगह कहीं से भी नहीं बनता, ग्रैंड लीग के अंदर आप लोग ट्राई कर सकते हो बिकॉज छोटे ग्राउंड डायमेंशन से तो उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। मनीष पांडे अगेंस्ट आरसीबी 20 मैच 341 23 के एवरेज से, इस वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है, 18 मैच 436 36 का एवरेज रहा, रीसेंट फॉर्म की बात करें 0 एंड 26 के लास्ट मैच के अंदर अच्छे टच में दिखे, इस मैच के अंदर भी आपको 30 के आसपास आपको रन करके दे सकते हैं, सो इनको एज अ प्लेयर स्मॉली ग्रैंड लीग के अंदर पिक कर सकते हो। यस धूल हेड टू हेड प्लस इस ग्राउंड पर तो कोई मैच नहीं खेले, लास्ट मैच के अंदर इनका डेब्यू हुआ, ओनली 2 रन कर पाए, अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन मैं बता दूं यहां का ग्राउंड डायमेंशन काफी छोटे हैं और बल्ले पे गेंद बहुत स्मूथ तरीके से आता है और डोमेस्टिक के अंदर काफी अच्छे स्कोर करके आ रहे हैं, तो यस टूल आपके लिए एक डिफरेंशियल गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, आप इनको रोटेट कर सकते हो पृथ्वी शो मनीष पांडे के साथ।
इसके बाद आपको दिखेंगे रोमन पावेल, हेड टू हेड के अंदर वन मैच खेले, खाता भी नहीं खोल पाए, इस ग्राउंड पर अब तक कोई मैच नहीं खेले। रिसेंट फॉर्म की बात करें, 1-2+1 विकेट एंड लास्ट मैच के अंदर ओनली 4 रन किए। बैटिंग पोजिशन बहुत नीचे है और आउट ऑफ फॉर्म है, तो मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे हैं। ललित यादव हेड टू हेड के अंदर 1 मैच 1 रन विकेट ले रहे हैं, इस ग्राउंड पर तो कोई मैच खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म की बात करें 38 एंड लास्ट मैच के अंदर 2+0 विकेट। अक्षर पटेल इस मुकाबले के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंगे और आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, स्मॉल लीग के अंदर भी और इवन ग्रैंड लीग के अंदर भी। बैटिंग से बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, 16+1 विकेट, 36 2+0 विकेट एंड लास्ट मैच के अंदर 54, काफी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, ऑलमोस्ट 200+ स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किए थे अगेंस्ट एमआई और जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स पर एमआई के बॉलर्स की बैंड बजाए थे और बॉलिंग भी बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। काफी इकोनॉमिकल स्पेल रहा था, 4 ओवर में ओनली 20 रन दिए, हालांकि विकेट नहीं मिला लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रगल इन्होंने कराया था बैट्समैन को। इस मैच के अंदर एक यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, हेड टू हेड के अंदर भी इनका रिकॉर्ड शानदार है, 17 मैच 18 विकेट्स, 41 के एवरेज से 163 रन और इस वेन्यू पे 8 मैच 8 विकेट्स, 34 वैसे 99 कर चुके हैं। सो अक्षर पटेल इस मैच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टीम इनको पिक कीजिएगा। अभिषेक पटेल मुझे इंपॉर्टेंट इस मैच के अंदर नजर नहीं आ रहे, बैटिंग पोजीशन काफी ज्यादा इनका नीचे है और बैटिंग से उतना अच्छे टच में है नहीं, 27-1 स्कोर के, इससे पहले भी डोमेस्टिक के अंदर उतना कुछ खास करके परफॉर्मेंस नहीं आ रहे हैं। कुलदीप यादव हेड टू हेड के अंदर 7 मैच 4 विकेट्स, इस वेन्यू पे 3 मैच 2 विकेट्स। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो अब तक फ्रेंड्स 4 मैचेस के अंदर सिर्फ 2 विकेट निकाले हैं। प्लेयर अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन छोटे ग्राउंड डायमेंशन से तो यहां पर कुलदीप यादव की बॉलिंग सूट नहीं करेगी, सो फॉर दैट रीजन मैं इनको स्मॉलिंग में ट्राई नहीं करूंगा। जीएल के अंदर आप डेफिनेटली इनको ले सकते हो। एनिक नोरकिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरसीबी को ऑलमोस्ट हर बल्लेबाज की स्ट्रगल एनिक नोरकिया अगेंस्ट है, टॉप से लेकर के बॉटम ऑर्डर तक, फाफ से लेकर के विराट तक। हेड टू हेड के अंदर 3 मैच 7 विकेट्स, इस वेन्यू पे 1 मैच के लिए विकेट ले रहे हैं। रिसेंट में बहुत शानदार है, पहले मैच के अंदर 2 विकेट, उसके बाद दोनों मैच के अंदर विकेट ले रहे, लेकिन बॉलिंग इनकी काफी अच्छी रही थी, आपने देखा हुआ 20th ओवर में फ्रेंड्स इन्होंने जबरदस्त बॉलिंग किया था, सिर्फ 5 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में और लास्ट बॉल तक गेम गया था सिर्फ इनके बॉलिंग की बदौलत। सो काफी अच्छे टच में है, इनको जरूर ट्राई करके चले, आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना ग्रैंड लीग के अंदर। मुस्तफिज रहमान फर्स्ट बॉलिंग करे दिल्ली की टीम तो ही करना, सेकंड बॉल में उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं। हेड टू हेड के अंदर 8 मैच 6 विकेट, इस वेन्यू पे 5 मैच 7 विकेट्स और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाले, वो भी रोहित शर्मा का। मुकेश कुमार हेड टू हेड प्लस इस वेन्यू पे अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट। मैं बता दूं अगर दिल्ली की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो ही पिक करना, क्योंकि इनसे प्रॉपर डेथ में बॉलिंग कराया जा रहा है, आपको एक ओवर कम से कम डेथ में बॉलिंग करके देंगे और वहां पर ही फ्रेंड्स 1 विकेट 2 विकेट निकाल करके चले जा रहे हैं। अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बेंच प्लेयर की तरफ, खलील अहमद यहाँ पर दिखेंगे, इनके रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं। आरसीबी के अगेंस्ट आरसीबी के बल्लेबाज को लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हमेशा परेशान करते हैं, 2 मैच 4 विकेट्स, इस वेन्यू पे रिकॉर्ड इनके अच्छे हैं, 1 मैच 3 विकेट्स। तो अगर खलील अहमद इस मैच के अंदर खेलते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंगे और एक आपके लिए डिफरेंशियल गेम चेंजर होंगे। मैं इनको स्मॉल लीग में भी ट्राई करूंगा और ग्रैंड लीग के अंदर भी इनको पिक करूंगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें 3 मैचेस खेले जिसके अंदर इनको टोटल 3 विकेट्स मिले। राइली रोशो आप इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, 30-0-14 हेड टू हेड प्लस, वेन्यू पे अभी तक कोई मैच नहीं खेले, यहाँ पर हालांकि अच्छा कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री काफ़ी छोटे हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अमन हकीम खान चांसेस बहुत ज़्यादा कम इस मैच में खेलने का, सरफराज खान खेलता आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हो, हेड टू हेड बहुत स्ट्रगल है, 3 मैच ओनली 15 रन, इस वेन्यू पर 9 मैच 125, रिसेंट फॉर्म 4-30 रन किए। इसके बाद आपको मिचेल मार्श दिखेंगे, मिचेल मार्श का रिकॉर्ड देखोगे अगेंस्ट आरसीबी 4 मैच 2 विकेट्स, 14 के एवरेज से 39 रन और इस वेन्यू पर 5 मैच 113, 38 के एवरेज से रन किए उन्होंने और 4 विकेट्स निकाले। रिसेंट फॉर्म पहले मैच के अंदर 0, सेकंड मैच के अंदर 4+1 विकेट। खेलेंगे इस मैच के अंदर तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंगे आपके लिए, आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है बैटिंग के साथ बॉलिंग दोनों सबको अच्छी परफॉर्मेंस करके देंगे। हालांकि इस मैच में 50-50 है, थोड़ा सा डाउटफुल है खेलने के लिए क्योंकि इस मैच के लिए अवेलेबल तो है, क्या इनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद आपको देखेंगे चेतन शाकरिया, ईशांत शर्मा, इनमें से मुझे किसी प्लेयर की खेलने की पॉसिबिलिटी इस मैच के अंदर नहीं दिख रही है। हालांकि अगर कोई प्लेयर खेलता है तो उनके स्टैट्स रिकॉर्ड्स आपको टॉस एंड लाइनअप्स के बाद मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओपन बॉलर होंगे मुकेश कुमार, एनिक नोकिया, मुस्तफिजुर रहमान, ललित यादव और अक्षर पटेल में से कोई एक होगा। मुझे इस मैच के अंदर अक्षर पटेल नई बॉल से बॉलिंग कर तो दिख सकते हैं, रीजन क्या है, सामने 2 राइट हैंडर होंगे फाफ डुप्लेसिस एंड विराट कोहली, डेथ में बॉलिंग करेंगे मुकेश कुमार, एनिक नोरकिया एंड मुस्तफिजुर रहमान। प्लेयर बैटल डिटेल मैचअप्स की बात करें, डेविड वार्नर इनका स्ट्रगल रहा है, डेविड विली के 3 बार आउट हो चुके हैं, 15 बॉल में 12 रन दिए हैं सिर्फ डेविड विली ने, एक बार फ्रेंड्स इनको आउट किया वैन पैरनल ने और एक बार इनको मोहम्मद सिराज ने आउट किया, तो बाकी सभी के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सिर्फ डेविड विली को अगर अच्छे से ये खेले तो अच्छा रन इस मैच के अंदर कर सकते हैं, वैसे इस पिच पर अच्छा करना चाहिए क्योंकि डेविड विली को विद द न्यू बॉल ज्यादा स्विंग नहीं देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि तो डे गेम है तो पिच ड्रायर साइड पर होगी, दूसरे फ्रेंड्स यहाँ पर ज्यादा ग्रास होता नहीं है।
पृथ्वी शो, इनका स्ट्रगल मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट, थ्री टाइम्स मोहम्मद सिराज इनको आउट किया 27 बॉल में 41 रन दे करके, और वन टाइम इनको हर्षल पटेल ने आउट किया है। मनीष पांडे, इनका स्ट्रगल रहा है करण शर्मा के अगेंस्ट, दो बार इनको करण शर्मा ने आउट किया, बाकी सभी के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ड सही है। रोमन पवेल, इनका स्ट्रगल रहा है वैन पैरनल एंड हर्षल पटेल के अगेंस्ट, दोनों इनको एक एक बार आउट किए हैं। ललित यादव, अभी तक किसी से आमना सामने इनका हुआ नहीं है। राइली रूशो, एक बार फ्रेंड्स इनको करण शर्मा ने आउट किया, बाकी सभी के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ड सही है। मिचेल मार्श, इनका किसी के अगेंस्ट भी स्ट्रगल नहीं, जितने भी करंट बॉलर आपको दिखेंगे आरसीबी के स्क्वाड के अंदर किसी भी गेंदबाज इनको फिलहाल के लिए आउट नहीं किया, तो खेलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आपको दिखेंगे फाफ डुप्ले, इनको फ्रेंड्स नोरकिया ने दो बार आउट किया है, एक बार इनको खलील अहमद ने और एक बार इनको मुस्तफिजुर रहमान ने आउट किया। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होगा वो होगा एनिक नोरकिया, क्योंकि दोनों ही सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, दोनों को एक दूसरे के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता है, तो ये वाला मैचअप बड़ा होगा। इसके अलावा अक्षर पटेल ने इनको तीन बार आउट किया है, तो ये दो गेंदबाज इनको परेशान इस मैच के अंदर कर सकते हैं। विराट कोहली का भी सेम स्ट्रगल है, नोरकिया ने दो बार आउट किया 28 बॉल में मैच 26 रन देकर के, एक बार खलील अहमद, एक बार कुलदीप यादव, एक बार अक्षर पटेल, एक बार मुस्तफिजुर रहमान और एक बार मिचेल मार्श। लेकिन जो सबसे बड़ी मैचअप्स होगी इनके लिए वो होगा खलील अहमद एंड निक नोरकिया के अगेंस्ट। ग्लेन मैक्सवेल, इनका स्ट्रगल रहा है अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव के अगेंस्ट, हालांकि कुलदीप यादव के अगेंस्ट तीन बार तो आउट हुए लेकिन रन्स भी बहुत अच्छे इन्होंने किया है। अक्षर पटेल के अगेंस्ट इनका ज्यादा आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्षर पटेल जैसा ही बॉलिंग रविंद्र जडेजा करते हैं, जडेजा ने इनको 6 से 7 बार आउट किया हुआ T20 के अंदर। तो यहां पर फ्रेंड्स स्ट्राइक रेट भी आप देख सकते हो, ओनली 40 बॉल में 43 रन कर पाए हैं अगेंस्ट अक्षर पटेल, लेकिन कुलदीप यादव के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 200 के इनके स्ट्राइक रेट है। तो ज्यादा परेशान इनको करेंगे आज के मैच के अंदर अक्षर पटेल। दिनेश कार्तिक, इनको फ्रेंड्स दो बार अक्षर पटेल ने आउट किया और दो बार फ्रेंड्स इनको मिचेल मार्श ने आउट किया, एक बार इनको मुस्तफिजुर रहमान ने आउट किया। मेन जो इनका स्ट्रगल है वो है मिचेल मार्श एंड अक्षर पटेल के अगेंस्ट, तो अक्षर पटेल देख लो ऑलमोस्ट सारे बल्लेबाजों को परेशान किया और इवन मिचेल मार्श ने भी विद बॉल सबको परेशान किया है। तो दोनों आपके लिए फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन। महिपाल लोमरर, अभी तक किसी आमना सामना हुआ नहीं है एक्सेप्ट अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल इनको अभी तक आउट नहीं कर पाए, हालांकि सैंपल साइज काफी ज्यादा छोटा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फैंटसी टीम कॉम्बिनेशन की तरफ। तो फिलहाल के लिए मेरा टीम कॉम्बिनेशन, बट मेरा फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मेरा फाइनल स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम होगा टॉस एंड लाइनअप्स के बाद आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट्स में आपको मिल जाएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं पिक करके चल रहा हूँ दिनेश कार्तिक को, बैटिंग सेक्शन से मैं ट्राई करके चल रहा हूँ विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, डेविड वार्नर, मनीष पांडे को कैप्टन है मेरी टीम के फाफ डू प्लेसिस, वाइस कैप्टन मेरी टीम के डेविड वार्नर, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने ट्राई किया ग्लेन मैक्सवेल एंड अक्षर पटेल को, बॉलिंग सेक्शन से मैं पिक करके चल रहा हूँ एनिक नोरकिया, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज एंड वैन पैरनल को। अदर ऑप्शन की बात करें फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन, यहां से फ्रेंड्स आप ट्राई कर सकते हो विराट कोहली को, बेस्ट ऑप्शन होंगे। अक्षर पटेल मेरे अकॉर्डिंग यूनिक ऑप्शन होंगे, ग्लेन मैक्सवेल को आप लोग इस मैच के अंदर ट्राई कर सकते हो, और इसके अलावा बॉलिंग अगर बात करें तो बॉलिंग में आप लोग नोरकिया को ट्राई कर सकते हो, ये मुझे अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, स्पेशली अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम फ्रेंड्स अगर पहले इनिंग्स के अंदर बॉलिंग करती है तब। बाकी मिचेल मार्श खेलेंगे तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन होंगे, मैं डायरेक्टली उनको अपने फैंटसी टीम में ट्राई कर लूंगा और मैं उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी इस मैच के अंदर कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी आपको करना क्या है, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।